नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ CCS लीव रूल्स 1972 के अंडर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन होने के टाइम पर जिस भी मंथ में वो ज्वाइन कर रहे हैं उस मंथ में उनको कितनी अर्न लीव मिलनी चाहिए। इस केस में कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर मिडल ऑफ द मंथ में ज्वाइन कर रहा है तो उस केस में उसको कितनी अर्न लीव उसके लीव अकाउंट में क्रेडिट की जानी है। अगर हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखें तो सपोज़ करिए एक एम्प्लॉई किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है 5 नवंबर 2021 को, या फिर आप कह सकते हैं मिडल ऑफ द मंथ कभी भी, तो जनरली क्या कर दिया जाता है कि उस पर्टिकुलर मंथ में जब उसके लीव अकाउंट में ईएल को क्रेडिट किया जाता है तो या तो हम पूरा का पूरा ईएल उनको क्रेडिट कर देते हैं 2.5 के रेट पे, मींस नवंबर की भी आपको 2.5 ईएल मिल जाएंगी 2.5 इस केस में, और दिसंबर की भी। लेकिन एक्चुअली में ये जो प्रैक्टिस है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई मिडल ऑफ द मंथ ज्वाइन कर रहा है और उस मंथ की भी उनको पूरी की पूरी ईएल मिल जाती है 2.5 ईएल, तो वो जो प्रैक्टिस है वो ठीक नहीं है। और इसको हम कैसे कोरोबरेट कर सकते हैं या फिर इसके सपोर्ट में क्या रूल है, तो उसके लिए हमें जाना होगा रूल 27 सब रूल 1 CCS लीव रूल्स का, जो ये कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी मंथ में ज्वाइन कर रहा है जब उसको अपॉइंट किया गया है, तो जो उसको 2.5 डेज के हिसाब से जो उसको अर्न लीव मिलनी है वो ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के लिए मिलनी है जो वो उस हाफ ईयर में सर्विस करने वाला है। जैसे हमारे पिछले केस में अगर एम्प्लॉई ने 5 नवंबर को ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट को, तो इस वाले जो छमाही होगी जुलाई से लेकर दिसंबर, इस छमाही में केवल एक ही ऐसा महीना है कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ जिसमें वो सर्विस डिपार्टमेंट को रेंडर करेगा, और वो कैलेंडर मंथ होगा दिसंबर का। हालांकि वो नवंबर में भी वर्क करेंगे लेकिन नवंबर का महीना कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ में नहीं आएगा, जैसा कि रूल में बोला हुआ है कि 2.5 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। तो इस केस में जो उनको लीव मिलेंगी अर्न लीव वो 2.5 की रेट से फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर मिलेंगी। दूसरा इस केस में एक और रूल जो पिक्चर में आता है वो है 27 सब रूल 4, जिसमें कहता है कि जब आप अर्न लीव को किसी भी एम्प्लॉई के लीव अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं और अगर वो लीव्स फ्रैक्शन में आती हैं तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है नियरेस्ट डे में। मान लीजिए जैसे अभी हमने जो पिछला केस लिया हुआ है जिसमें डिपार्टमेंट को एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया है 5 नवंबर को, तो हम एक चीज़ तो पहले समझ चुके हैं कि नवंबर मंथ के रिगार्डिंग उनको ईएल नहीं मिलेंगी क्योंकि नवंबर का पूरा महीना वो सर्विस नहीं करेंगे। दिसंबर के महीने के लिए उनको 2.5 ईएल मिलेंगी जो अर्न लीव है, चूँकि अब वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो उस अर्न लीव को हम 3 अर्न लीव की तरह उनके अर्न लीव अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें जो परमिशन मिलती है वो मिलती है CCS लीव रूल के रूल 27 सब रूल 4 से। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ इस चीज़ को कि इस केस में जिस एम्प्लॉई ने नवंबर में ज्वाइन किया है मिड ऑफ द मंथ उसको सिर्फ दिसंबर महीने के लिए ईएल मिलेंगी 2.5 मिलेंगी, और 27 रूल सब रूल 4 में उस 2.5 ईएल को राउंड ऑफ कर दिया जाएगा 3 ईएल में, और उस 3 ईएल को उसके लीव अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम देखेंगे ताकि ये जो एक कॉमन मिस्टेक है छोटी सी उसको हम दोहराने से बच सकें। तो आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।